अरे आप लोग मुझे देख के चौंक गए ना, मैं भी चौंक गया. एक्चुअली इन्होंने मुझे एज ए स्टार गेस्ट इनवाइट किया था, अब खुद ही गायब हो गए. आपको मालूम है किधर हैं ये लोग? इस साइड में. अच्छा, कपिल के एब्सेंस में भी आप बजाते रहते हैं क्या? लेकिन रास्ता अच्छा बताते हो आप लोग. थैंक यू. हाँ यही है ना. हाँ हेलो भाई साहब. अरे नवाज भाई. यार हाय, मैं आपको वहां ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पे मतलब बिजी हो फोन में. मतलब भाई उल्टा है, ये उल्टा डायलॉग है. तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ. ये डायलॉग जो भी मतलब डायलॉग नहीं मार रहा हूँ मैं. मतलब एज अ गेस्ट आई हैव टू रिस्पांसिबिलिटी यार. भाई प्लीज इज्जत दो. आई एम सो सॉरी नवाज भाई. आप लोग लगे रहो, मैं चलता है. अरे अगर तुम चले जाओगे तो फिर एपिसोड कैसे होगा? एपिसोड नहीं होगा तो मेरे पैसे कैसे मिलेंगे? ए कपिल, ये नाक वाला काट देना, मेरे मुंह से निकल गया. मुंह से जो दिमाग में वही मुंह से निकलेगा ना. आप बेइज्जती करवा दो नवाज भाई. एक काम करो, आप प्लीज दो मिनट बैठो, मैं आपकी इंट्रोडक्शन लेता हूँ. हाँ. स्टार की तरह एंट्री लेना. मतलब स्टार की तरह. आई लव यू नवाज भाई. बहुत प्रॉब्लम है, लोग बहुत रियलिस्टिक समझते हैं. प्लीज यार, बस दो मिनट में. तू मेरी सच सच बातियों बता देता है. तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही हरफन मौला एक्टर हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस से किसी भी किरदार में जान डाल देते हैं. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड माय फेवरेट मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी. नवाज भाई, नवाज भाई के लिए जोरदार तालियां. नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैंने बोला था आपको स्टार की तरह एंट्री लेनी, आप चुपचाप चल के आ गए. मैं तो मैं भी वही सोच रहा था. बट आप यार, जैसे आप लोग सलमान भाई को देते हो, मतलब बाइक पे आते हैं वो, अक्षय कुमार जो हैं वो लटक के आते हैं, इवन महाभारत के जो एक्टर्स उनको रद्द देते हो. मेरे को तो ये बोल रहा कि चप्पल उतार के आओ इधर. मतलब इतना भी रियलिज्म में नहीं जाना चाहिए यार. नहीं नहीं यार, नहीं ये सही नहीं है वो. पता नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो यार वो करो यार. अरे नहीं, पता नहीं वो क्या है, कुछ तो दे देते, साइकिल दे देते एटलीस्ट. ओह भाई, वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, हम किसी को कुछ भी नहीं देते, सब अपना अपना रथ लेके आते हैं. तो हमारा इतना बजट हो तो मैं अर्चना जी की साइकिल पे बैठ के आऊं. अच्छा एनीवेज, नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. और 2020 में, मतलब पूरे इस साल में, लोग कोरोना की वजह से बहुत घर बैठे रहे, लेकिन एक नवाज भाई ऐसे जो फिल्मों पे फिल्में धड़ाधड़, मतलब आप छाए हुए भाई. भाई मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ यार, जब भी आपको मिलते हैं आप बिल्कुल मेंटेन करके रखते हो. आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो या आपको खाना लगता ही नहीं? मुझे खाना नहीं लगता एक्चुअली. हैं, कोशिश मैंने काफी की, बहुत सारी चीजें खाई मैंने, इवन शिलाजीत तक खाया मैंने. अच्छा भाई, लेकिन लॉकडाउन में ना आप हमारा बहुत बड़ा सहारा थे. आपकी सारी फिल्में जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, वो भी मैंने दोबारा देखी. पर आपका टाइम पास कैसे हुआ फिर? मैं तो था, काफ़ी दूर था, मतलब मुंबई से. अच्छा जी. हाँ, अकेला था मैं. ऐसे ऐसे जगह मैंने चुन रखी थी जहाँ 2-2 किलोमीटर तक दूर दिखाई नहीं देते थे लोग. बहुत बढ़िया. अच्छा, वहाँ पर मैंने अपना लॉकडाउन गुजारा. वाह, फिल्में भी देखी और आपके शोज भी देखे. अरे थैंक यू नवाज भाई. पर क्या बात लग रहे हो आप नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत. आइए प्लीज़ विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए. नवाज भाई का मैं इतना डाई हार्ड फैन हूँ कि ये जो भी करते हैं, कोई भी इंटरव्यू मैं हमेशा देखता हूँ. अगर मुझे इंटरनेट पे कहीं पे भी नवाज भाई अगर स्क्रीन पे दिख जाए तो मैं वो चीज़ ज़रूर देखता हूँ. मैं नवाज भाई को बता रहा था कि जो फिल्में मैं देख चुका हूँ दोबारा, कई कई बार होता ना कि मन करता है कि यार दोबारा देख लें. सो लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे भी पहली बार पता चला. जैसे मुझे अभी पहली बार पता चला कि आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, तो आपको पहले से आइडिया था भाई आगे चल के हीरोइनों के साथ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी भाई? ये मतलब जैसे हमारा ये पांडे है ना, बोलता है यार केमिस्ट्री तो मेरी बड़ी अच्छी है, मेरी किसी के साथ होती नहीं मोहब्बत. मैंने कहा पामिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए. ड्रम बजा बजा के ना इसकी सारी लकीरें मिट गई हाथ की, और हाथ में ड्रम स्टिक छपी हुई है. नवाज भाई, पिछली बार आप जब आए थे मोतीचूर चकनाचूर के लिए, रोमांटिक फिल्म थी वो, और आगे चल के इनकी एक और फिल्म आ रही है बोले चूड़ियां, उसमें तमन्ना भाटी के साथ रोमांस कर रहे हैं. अच्छा, पर आपने जब पिछली बार बोला था ना कि शेर के मुंह को खून लग गया, अब तो वो बात मतलब आपने सही बोली थी. हाँ, मेरा मतलब यही था मेरा कि मैं आगे रोमांटिक फिल्में ही करूँगा जी, है ना. तो जैसे मैंने एक रोमांस वाली फिल्म की तो कोरोना आ गया और उनको भी कोरोना हो गया जो मेरी हीरोइन थी. ओहो, गरीब आदमी का रोमांस बर्दाश्त नहीं है भगवान.
नवाज भाई, एक और फिल्म मैंने आपकी देखी, सीरियस मैन. पहले तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. मतलब मैं ये बात अभी ना, मेरे को लगता है कि मैं बोल के नवाज भाई का टाइम ही ले रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये बात इनको कितने लोग बोलते हैं कि आप कमाल के एक्टर हैं और बा कमाल काम किया इस फिल्म में भी. उसमें ये अपने बेटे को नकल करवा रहे हैं. नवाज भाई, आपने कभी स्कूल में नकल करी? अब जैसा बाप होगा वैसे बेटा को देगा वो एजुकेशन. मतलब मैंने भी किया. अच्छा. हाँ, मतलब मैंने जब हम लोग जब नकल करते थे तो हमें किसी ने बताया कि भाई स्ट्रिक्ट होता था काफ़ी, हालांकि. अच्छा जी. लेकिन किसी ने बताया कि ये जो टीचर आएगा तुम्हारा एग्ज़ाम में, तो इसके सामने आप नकल खुल के करना. वैसे ठीक है, क्योंकि वो सोता है. अच्छा, क्लास में सो जाता है. क्लास में सो जाता है वो, तो आप खुल के नकल करना. तो हम लोग आए और अपनी जो पर्ची वर्ची यहाँ लगा रखी थी ना हर जगह पे नकल की, तो अब निकालें तब निकालें, बंदा सोए तो निकालें, नकल करें. वो पूरे 3 घंटे सोया ही नहीं. बाद में हम लोगों के पेपर ख़राब हो गए. बाद में किसी से हमने पूछा कि भाई यार आप लोग तो बोल रहे थे कि वो सो जाएगा, वो तो सोया नहीं. बोले भाई वो आँख खोल के सोता है. अच्छा, होते थे लोग ऐसे. पूरा ऐसे है. पर वैसे आप जो बता रहे हो ना, पर्ची वर्ची वाला सिस्टम भी, पता नहीं आजकल तो बच्चे नकल नहीं करते, वैसे इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतनी नॉलेज है उनको, गैजेट हाथ में. लेकिन हमारे साथ बड़ा होता था भाई, कभी हिस्ट्री का एग्जाम आया ना, वो तो याद होना ही नहीं. पहली बात तो पर्चियाँ याद रखनी पड़ती थी. कहाँ रखी है? बाप यहाँ पे है, शाहजहाँ इस तरफ वाली टांग के नीचे है. पर बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे. मैं नहीं की कभी, एक दो बार ले गया, पर हिम्मत नहीं हुई निकालने की. डर लगता ना, मैं लिखता रहता था धड़ाधड़. टीचर भी सोचता है सारा साल तो पढ़ा नहीं, अभी क्या लिख रहा है ये. तो होता था हमारे साथ भी. लेकिन कभी पकड़े गए नवाज? मैं नहीं पकड़ा गया. नहीं, नकल में कभी नहीं पकड़ा. नकल करते थे रेगुलरली? बहुत दबा के की मैंने नकल. हाँ हाँ हाँ. और जो आसपास वाले ये चुगली नहीं करते थे कि नवाज तो नकल कर रहा है? सब करते थे, माहौल ही यही था हमारा. हाय कपूर, लव यू. हाय अर्चना जी. हाय, वेरी नाइस. आई बिग फैन यू. नवाज जी, आज ना आप मेरे साथ बदमाशी करना, कोई शरीफ हरकत मत करना. क्यों? क्योंकि ये फिर नवाज शरीफ दिखने लग जाएंगे ना. मजा नहीं आया ना जोक में? नहीं, मजा आया, हंसा भी मैं. ये एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन था ना, तो हम लोगों ने ये सब जोक बनाए थे. और अभी ईयर एंडिंग आ गया ना, तो हम लोग का क्लियरेंस का टाइम आ गया. तो ऐसे रहते ना, बोल बोल के ख़त्म करो. वैसे आप लॉकडाउन के बाद आए यहाँ, हमको बहुत अच्छा लगा. हालांकि आप लॉकडाउन से पहले भी आए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा. अब भी अच्छा लगा. आज आप आए, आज भी अच्छा लगा है. बुरा कब लगा? नहीं, बुरा नहीं है. ये कहना, हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि एंट्री पे तारीफ करने का रहता है हम लोग को. अच्छा, हम लोग का एक मेन्यू सेट है. अच्छा. कैसे मतलब? ऐसे ही जैसे आप अभी आए, हमको बहुत अच्छा लगा. नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट या तेल लगाने. मैं नवाज जी को पीछे भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी ना. मैं इनको देख के यही बोलेगी कि आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है, इनके जैसा आर्टिस्ट ही नहीं. वाओ. पर मेन्यू क्या सेट रहता है वो तो बताओ, क्या बाकी जो बोलती हो आके? मेन्यू सेट? हाँ, वो मेन्यू रहता है ना, जैसे कि वो फिल्म वाले आते हैं तो हम उनको बोलते हैं आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा. फिर वो एल्बम वाले आते हैं, फिर उनका गाना सुनते हैं, हम बोलते हैं आपका गाने का प्रोमो देखा हमको अच्छा लगा. ऐसे रहता है हम लोग. तुमने देखा रहता है? नहीं, देखा नहीं रहता है. हम लोग देखते नहीं. और आपके तो इतने बड़े फैन है, आप तो जानते हैं हमारे शो का फॉर्मेट कैसे रहता है. इसमें कुछ शुरू में लड़की बिड़की आती है, इसको छेड़ती बेड़ती है, ऐसे कुछ स्टार्टर टाइप रहते हैं वो लोग. और फिर बाद में एंड में जाके ये मेन कोर्स आता है. है ना? अच्छा, ये ऐसा रहता है कि नहीं? ये साइज के हिसाब से या टैलेंट के हिसाब से? अच्छा सवाल. वो तो अभी मैं खुद का मुँह से क्या तारीफ करूँ, मैं हूँ टैलेंटेड, क्या करूँ मैं? क्या मतलब, अभी तो खुद को मेन कोर्स बोल रही है. हाँ, तो मैं खुद का प्रमोशन नहीं करेगी क्या कपू? मैं सबका प्रमोशन करती है. हाँ. अरे खुद का क्या, बाप का, भाई का, दादा का, सबका प्रमोशन करेगी तेरी सपना. ओ, वाओ. सबका प्रमोशन करेगी. बाप का, दादा का, भाई का. हाँ. और मामा का? मामा का वो खुद प्रमोशन करके गए थे ना अभी. ऐसा सुना था मैंने. मैं बाहर थी कहीं. मैं बिजी थी, नहीं आई जानबूझ के. नहीं आई. सपना, करने क्या आई तू आज यहाँ? अच्छा नहीं, मेरे को नवाज जी से बात करने का था. हाँ. सर आपके पास पासपोर्ट है? हाँ है. तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड है ना? पैन कार्ड. तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को. क्या मतलब? ये क्यों देंगे मतलब? मैं क्यों दूं? नहीं, वो बैंक वाले नहीं देते ना कप्पू 1 करोड़ रुपया. मैं उनके पास गई थी, 1 करोड़ रुपया दो. हाँ. तो बोलते जाके डाकू का गारमेंट्स लेकर आओ. डाकू का गारमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स बोला होगा. हाँ, तो जो भी है
आज तेरी आवाज बड़ी निकल रही है आज। हाँ तो नवाज जी आए तो आवाज जी निकलेगी ना। वाह, अच्छा नवाज जी आए तो आवाज ही निकलेगी, तो अक्षय कुमार आएंगे तो वो आते तो तेरी आवाज नहीं निकलती, मेरी आवाज क्या निकलेगी। अच्छा सर, वो अक्षय कुमार जी का थोड़ा आना इधर, आप थोड़ा कम नहीं करा सकते क्या? मेरी हाइट बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब ये क्या मतलब हुआ? वो जब भी आते हैं ना टांग खिंचाई बहुत करते हैं। मजा नहीं आया ना, लॉकडाउन में लिखा था क्लियरेंस वाला है। तो खैर एनीवे, मेरे को इधर उधर का क्या बात करने का, 1 करोड़ रुपया दो ना। 1 करोड़ क्यों चाहिए तेरे को? मेरे को ना कप्पू चिलिंग मारने का है थोड़ा सा। हाँ सर, ये 2020 बहुत ऐसा डिप्रेशन में गए, बहुत ऐसा टेंशन इतना। भले आप लोगों को तो धंधा चल रहा है बराबर। आपको क्या टेंशन? ठीक है चल रहा है, हमारा तो इधर तेल का धंधा है ना। तेल का भी है? हाँ है ना, इधर मसाज पार्लर। कितने धंधे कर रखे आप? मेरे को क्या है, मैं पहले 1 करोड़ क्यों मांग रही हूँ उसका मैं रीजन बताती है। पहले मैं बंगला लेगी, फिर गाड़ी लेगी, घोड़ा लेगी, घास लेगी, दूध लेगी। घोड़े दूध नहीं देते? अरे दूध वाले से दूध लेगी रे। तू मेरी राइमिंग पे मत जा। हाँ, फिर मैं घोड़ा दिखा के हफ्ता वसूली भी करेगी। घोड़े से हफ्ता वसूली मतलब? हाँ, कैसे? जैसे फिल्मों में नवाज जी करते घोड़ा दिखा के। अच्छा, को क्या लगा तबड़िक तबड़िक वाला घोड़ा क्या? अरे नवाज जी आए तो मैं वो घोड़े की बात करेगी ना, वो घोड़े की बात क्यों करेगी? ओके ओके। सर घोड़े के बारे में मेरे को एक चीज जाननी थी, ये पीछे से क्यों लात मारता है घोड़ा? अब ये तू दूसरे घोड़े के बारे में बार बार एक ही घोड़े के बारे में थोड़ी पूछेगी, दूसरे घोड़े के बारे में भी तू पूछ लेते, उनको सबका नॉलेज है क्या रे कप्पू? तू भी तो यही सब करने आई है सपना? नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली काम था। क्या? मैं आपका वो पिक्चर देखी थी मांझी माउंटेन मैन। हाँ। उसमें आप इतना पहाड़ भीड़ तोड़ दिए थे ना। हाँ। आप प्लीज नाला सुपारा में आइए और मेरा छावा है ना मुकेश, उसको तोड़ दो आप। उसको क्यों तोड़वाना है? अरे मेरे के साथ उसने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा धोखा किया मालूम। दिवाली पे कप्पू मेरे को बोला घर पे आ, मैं तेरे को सरप्राइज दूंगा। मैं घर पे गई, बोलता है आंख बंद कर, रिंग वाली फिंगर ऊपर कर। मैं सर उंगली ऊपर की, आंख बंद की, उसने मेरी उंगली सॉकेट के अंदर डाल दी। मेरे अंदर का 100 वॉट का बल्ब जग गया था, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत तकलीफ हुई थी मेरे को। मेरे को ना वो जमता ही नहीं है कप्पू, तो मेरा इनके साथ बात करना ना। सपना थोड़ा थोड़ा दूर, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, डिस्टेंसिंग। अरे काहे का सोशल डिस्टेंसिंग रे कप्पू, नाना नानी पार्क में जाके देख। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है सर। जितने कपल लोग हैं ना 15 सेकंड के लिए सांस रोकते हैं, तक से पप्पी करके पट से सैनिटाइज कर लेते हैं लोग, ऐसे रहते हैं उन लोग। सपना हो गया तेरा? 2 साल से तो बहुत हो गया मेरा। वैसे तो बहुत हो गया है, लेकिन सर मेरा पार्लर है तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं। मतलब सारे पार्लर करने वाले आपके जैसे अगर होंगे तो मेरा तो मतलब हाथ लगा दम निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं आराम से करेगी आपको, हमारा सॉफ्ट भी रहता है। सॉफ्ट भी रहता है? सर आपका पिक्चर रहता है ना मुन्ना माइकल, तो हमारे पास मुन्ना माइकल मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, प्रमोद आता है। तो उसका कपड़ा उतार के हम लोग तेल लगाते और उसका मसाज करके घर भेज देते। मुन्ना माइकल कहाँ है इसमें? मुन्ना की माइकल मसाज कर दी ना। मुन्ना की माइकल मसाज कर दी सर, मुन्ना माइकल मसाज। मजा नहीं है, लॉकडाउन में लिखा था क्लियरेंस से। क्लियरेंस। अच्छा फिर एक सेक्रेट गेम। अरे क्या सीरीज, ऐसा कोई सीरीज नहीं आया। एक बार जोर जोर ताली, बहुत अच्छा। हमारे पास सर सेक्रेट गेम मसाज। तो इसमें क्या होता है? क्या इसमें क्या रहते हैं सर, 15-20 लौंडे आते हैं। उस लौंडे में से मैं गाय तोंडे चुनती है, फिर गाय तोंडे को हम मंडे टू संडे बिठा के रखते हैं और त्रिवेदी की मसाज करके भेज देते। त्रिवेदी का मसाज क्यों किया? अरे सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। खैर अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मसाज है, नेटफ्लिक्स मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं सर, 5 तारीख को हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम बोलते थे नो नो गो, आज मसाज नहीं होगा, वो जाते हैं। फिर वो 6 तारीख को फिर आता है, बोलते मसाज, हम बोलते नो गो इधर से, ऐसा रहता है हम लोग। तो मसाज क्यों नहीं कर रही? मैं नेटफ्लिक्स देखूं या कस्टमर का मसाज, मुझे मालूम इस बात पे कोई हंसी नहीं है। हाँ।
अभी लेकिन प्रमोशन नाम की भी कोई चीज रहती है ना. पैसा आता है. आप नेटफ्लिक्स देखते हैं? आपको कहाँ पैक किधर मिला? 199 का. कमाल है आपका. इसका मतलब चेक आ गया इनका चैनल से. बहुत अच्छा. अभी मैं जाती है मेरा. अच्छा हो गया ना. हाँ अभी मेरे पास बहुत आर्टिस्ट लोग भी आते हैं ना. हाँ. वो आते हैं. शरद केलकर है ना. हाँ. वो परसों ही मेरे साथ खेल कर अपना केलकर छोड़ गया था. तो मैं अभी उसके साथ खेल कर उसका केलकर वापस छोड़ कर आया. लेकिन वो मस्त केलकर है. अच्छा एक साथ दो दो के प्रमोशन करते नेटफ्लिक्स और केलकर का. जो आर्टिस्ट नहीं आते उनका भी करते हैं हम. ऐसी बात नहीं है हमारे शो में सबका. ठीक है मैं बाय. अच्छा नवाज भाई मैंने देखा आप ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहते हो. और मजे की बात ये आपके सारे मैसेजेस जितने भी होते हैं जो भी आप पोस्ट करते हो इंग्लिश में होते हैं. तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हो कि आप सोचते हिंदी में? वो बैठा है ना सर. अच्छा तो ये करते हैं. अभी भी मेरे को इन सब चीजों में सोचना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा या ट्रांसलेट करना पड़ेगा. तो स्टार किस काम का फिर मैं? सीखो अर्चना जी, खुद ही लगे रहते हो इंस्टाग्राम पे आप. हाँ देखो मैं स्टार नहीं हूँ. मैंने कब कहा मैं स्टार हूँ यार. अरे मैं कलाकार हूँ. हाल ही में नवाज भाई ने ट्विटर पे लिखा था वैलेंटिन टेप्लिकोव के बारे में. वैलेंटिनो? तो पहले तो भाई ये नाम के चक्कर में मैं ये सवाल कैंसिल करने वाला था. वैलेंटिन टेप्लिकोव के चक्कर में मेरे को नाम नहीं याद हो रहा था. इन्होंने लिखा था कि द मैन वो इंट्रोड्यूस मी टू द मेथड एक्टिंग. तो भाई ये मेरा सवाल ये है कि ये जो वैलेंटिन टेप्लिकोव ये क्या होता है? एक्चुअली नाम है. रशियन थिएटरिस्ट थे ये डायरेक्टर. अच्छा जी. उनके साथ हमने प्लेस भी की है, वर्कशॉप भी की है. मेरे गुरु भी रहे हैं वो. वाओ. तो उन्होंने मुझे सिखाया था ये सब मेथड एक्टिंग के बारे में. फर्स्ट टाइम मैं मतलब मुझे इंट्रोड्यूस किया उस जब एनएसडी में. एनएसडी में जब मैं था. ओके वाओ. तो अब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है ये वो सब. तो इस तरह की मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली अभी वो मास्को में थे और उनकी डेथ हो गई. तो बट ये स्टैनिस्लावस्की का मेथड यूज करते थे? जी स्टैनिस्लावस्की के जो स्टूडेंट थे उनसे डायरेक्ट इन्होंने ट्रेनिंग लिया मास्को. ओके सो दैट मेथड है द मेथड. भाई एक बात और आपसे पूछनी थी. जो भी आदमी एक्टर बनने आता है छोटे शहर से आता है तो ना पहले तो क्रिटिसिज्म घर वालों का ही झेलना पड़ता है, गांव वालों का झेलना पड़ता है. लव जी का जैसे मैं भी ड्रामा वामा करने जाते तो लोग बोलते हैं ये ड्रामे करता रहता है, काम कुछ नहीं करेगा. ड्रामा को काम ही नहीं मानते थे. तो आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि लव जी अभी एक्टर बनने चले हैं तो वो जो लोग अब आप सुपरस्टार बन गए हो तो जब आप वापस जाते हो मिलते हैं लोग? मैं नहीं मिलता उनसे. नहीं नहीं मिलना पड़ता है. अच्छा हालांकि पहले जैसे गाँव में ऐसा होता था भाई अच्छा क्या करते हो? एक्टिंग करते हैं. नहीं वो तो ठीक है लेकिन काम क्या करते हो बताओ. हाँ एक्चुअली तो वो बड़ा भारी पड़ जाता था वो सवाल हम लोगों पे. हाँ कि इसके नेक्स्ट अभी क्या बोले. हाँ, क्या बोले. हाँ और अच्छा आप गाड़ी वाड़ी लेके जाओ फिर लोग ये भी नहीं पूछते काम क्या करते हो. बड़ा आदमी है कुछ तो करता ही होगा. वो उससे फिर पूछते भी नहीं क्या करते कहीं बुरा ना मान जाए. लेकिन जब आर्थिक व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं हो नवाज वहाँ तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा कि आप एक्टर कैसे सोच सकते हो यू नो एज अ जॉब. तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के बावजूद हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं एक्टर ही बनूंगा? इतना जुनून था, इतना पैशन. हमारे साथ अर्चना जी एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों को किसी ने रोका नहीं क्योंकि वो भी नहीं जानते थे. वो बोलते थे भाई कोई गलत काम मत करना लाइफ में, बाकी कुछ भी करो. ऐसा था. क्या होता है ना आई थिंक जैसे पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो डिसाइड करते हैं अपने बच्चों को कैरियर कि भाई ये करना ये नहीं करना. अब हमारे यहाँ सारे फार्मर कोई पढ़ लेगा तो था नहीं. फादर भी सब ऐसे थे कि भाई ठीक है कोई बुरा काम मत करना जो भी चाहे करो क्योंकि उनको खुद नहीं पता था भाई. मैं एक दिन और एक किस्सा सुन रहा था नवाज भाई का टीवी शो में किसी में बता रहे थे कि मेरी मम्मी जो है मैं उनको फिल्म दिखाने लेके गया तो उनको लगा कि यार ये हाँ फिल्म में तो तू है तो ले हीरो थोड़ी ना तू बस में बैठे कोई सीन था. क्या बताया नवाज भाई वो किस्सा जब आप मम्मी को फिल्म दिखाने लेके गए? एक्चुअली मैं जो फिल्में कर रहा था तो उसमें मेकअप कॉस्ट्यूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, मतलब रियलिस्टिक दिखाते थे जी है ना. तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किक की तो वो उनको बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें मैं सूट बूट पहने हुए था. अच्छा? और नोटों पे बैठा हुआ था. अमीर अमीर डॉन अमीर अमीर आदमी और पैसे पैसे के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं. तो मैंने कहा फिल्म कैसी लगी? बोले मुझे तो फिल्म तो ठीक है ओके है जो भी है बट मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा जिसपे तू नोटों पर बैठा हुआ था. भाई हमने एक और चीज़ सुनी है, कहते कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में भी और यहाँ पे भी
तो बोलते कि राजपाल यादव जो है वो उस समय काम बहुत कर रहे थे और सब लोग वहाँ से खाना खाते थे. तो मैं जनरली पूछना चाहता हूँ कि वो सच्ची में उनको काम बहुत मिल रहा था कि उनका टिफिन सर्विस का भी काम था. एक्चुअली राजपाल को शुरू में आते ही काम मिलना शुरू हो गया था. अच्छा. हाँ. और आई थिंक हमारे सारे जितने भी एक्टर्स थे 20-22 एक्टर थे. अच्छा. सबसे ज़्यादा राजपाल को काम मिलता था. बाकी किसी को मिलता नहीं था. अच्छा. बाकी ये होता था कि यार आज का शाम का खाना कहाँ खाएं, किसके यहाँ जाएं. अच्छा, राजपाल के यहाँ चलते हैं क्योंकि उसका काम चल रहा है, सीरियल कर रहा है वो. हाँ. तो उसके घर पे पड़िया डाल लेते थे हम लोग सब. और कौन कौन एक्टर होते थे नवाज भाई आपके? विजय, मैं, बहुत सारे एक्टर थे हम लोग. राजपाल के यहाँ सुबह चूल्हा शुरू होता था, शाम तक कुछ ना कुछ बनता ही रहता था उसके यहाँ. ऐसे था. और 5-6 एक्टर होते थे जो कोई प्याज काट रहा है, कोई लहसुन छील रहा है, कोई सब्जी काट रहा है. तो कभी ऐसा हुआ कि एक ही ऑडिशन के लिए तुम 4-5 लोग एक साथ गए हो और एक ही सिलेक्ट हुआ हो? नहीं, अक्सर ऐसा होता था कि एक ही रूम में हम 5-6 एक्टर हैं. हाँ. और एक दूसरे को कोई नहीं बता रहा है कि कौन से ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ. राइवलरी. पता चला, अच्छा तू तैयार, बंदा तैयार हो रहा है, एक एक्टर तैयार हो रहा है. बोले कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ यार, एक काम है थोड़ा सा. दूसरा भी तैयार हो रहा है, तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी एक जगह जाऊंगा. अब बता, कोई किसी को नहीं रहा. पता चला जहाँ ऑडिशन चल रहा सारे में मिल गए. शुरुआती दौर में नवाज भाई ने काफी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए जो अब हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो नवाज भाई नवाज है. जैसे मैंने सरफरोश देखी, फिर मनोज सर की एक फिल्म थी शूल, उसमें भी आपका एक छोटा सा सीन था. तो भाई जब ऐसा कभी हुआ कि आपने एक फिल्म में कोई रोल किया हो तो सब दोस्तों को पिक्चर दिखाने लेके गया हो, मेरी पिक्चर आ रही है, बाद में पता चला वो कट गया हो? हैरान की थी मैंने और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कमल हसन साहब वाली, कमल साहब के साथ. और उसका प्रीमियर हुआ यही फिल्म सिटी में. अच्छा. और हम, मैं अपने कम से कम 5-6 दोस्तों को लेके गया. मैंने बॉस हैराम हारी है, मैंने काम किया उसमें. हाँ. तो आ गए सब लोग. तो फिल्म का प्रीमियर शुरू होने वाला, तो कमल जी मेरे पास आए, नवाज अपने दोस्तों को बोल दो कि तुम्हारा रोल कट गया. मैंने, सर क्या बात कर रहे हो, दोस्त मेरे, मतलब मैं उनको लेके आया हूँ, मतलब कैसे हो सकता सर, कुछ हो सकता है कि फिर से यहाँ दिखा दो. पिक्चर में भले ही काटना है, बेइज्जती हो जाएगी सर बहुत. तो नहीं, वो अभी कल तो रिलीज है. हाँ. आज प्रीमियर है तो नहीं कर सकते हम ऐसा, बट बोल दो, ईमानदारी से बोल दो उनको. तो सारे दोस्त मेरे इकट्ठे, हाँ भाई क्या क्या बात हो रही थी कमल जी से? मैंने कहा, और मैं रो पड़ा और रोते रोते मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार मेरा रोल कट चुका, अब आप डिसाइड करो आपको फिल्म देखनी है या नहीं. नहीं, बोले चलो देख लेते हैं, देखेंगे फिल्म तो देख ले. तो फिल्म देखी हालांकि, बट ये हुआ था इनसे. व्हाट अ जर्नी सर, क्या बात है यार, सो प्राउड ऑफ यू नवाज भाई. जैसे मुझे कभी कभी, मैं अकेला देखता हूँ ना, जैसे मैंने नवाज भाई की जब वो फिल्म देखी जिसमें आप CBI इंस्पेक्टर बनते हो कोलकाता में, कहानी, तो मैं देखता था ऐसा एटीट्यूड लेके आते हैं ये CBI ऑफिसर होते हैं, अंदर आते हैं, चल बाहर. मैं सोचता हूँ यार इस एक्टर के सामने कोई खड़ा कैसे होता होगा, मतलब ये तो खा जाएंगे. नवाज भाई आपको कभी किसी को देख के लगा कि यार ये बंदे के सामने मैं खड़ा कैसे होऊंगा, ये बड़ा कोई ऐसा एक्टर है? एक होता ना कि आप किसी को बहुत मानते हो, किसी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, उसके सामने आप नर्वस हो जाते हो, कभी आप नर्वस हुए हो? फ्रेंकली स्पीकिंग में हुआ, जो नॉन एक्टर्स थे उनके सामने मैं नर्वस होता था, या बच्चों के सामने. अच्छा. मैं एक पतंग फिल्म कर रहा था तो उसमें हमने रियल लोग लिए थे, रियल बच्चे लिए थे, और उनके सामने मैं नर्वस होता था. बाकी एक्टर्स या स्टार के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने नर्वस नहीं होता. ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने. बट जो अनकन्वेंशनल होते हैं ना, जो जैसे पकड़ के, जैसे इनके सामने बैठे, इनको अगर आप एक्टिंग कराओ ना तो इनके सामने मैं नर्वस हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो डायलॉग डिलीवरी होगी इनकी बहुत ही अलग तरीके से, और क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें वो बहुत, मतलब ऑर्गेनिक जैसा होता. हाँ, ऑर्गेनिक होता है वो, बहुत ही नेचुरल होता है. उसके सामने मतलब हालत ख़राब हो जाती है इन लोगों के सामने, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है. मैं डाई हार्ड फैन हूँ भाई आपका, आई लव यू. थैंक यू. और मैंने एक और चीज़ सुनी, कहते हैं कि इंडस्ट्री के जो बहुत सारे एक्टर्स हैं उनको लॉन्च से पहले नवाज भाई जो है वो एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग भी देते रहे. भाई कौन कौन थे एक्टर्स वो जो उनको आप ट्रेनिंग देते रहे? बहुत सारे एक्टर्स थे शुरू में, जब काम नहीं मिलता था तो क्या करते थे, यही वर्कशॉप कर लिया, यही सब करते थे. जैसे कुछ दिन रणवीर सिंह की भी क्लास ली मैंने, राजीव खंडेलवाल थे उनकी भी क्लास. अच्छा, ली. हाँ, उनका तो काफ़ी लंबा. और शत्रुघ्न साहब के बेटे थे उनकी. अच्छा, भी उनकी भी. हाँ, अल्लाह उनकी भी क्लास ली. तो काफ़ी क्लासेज लेता था क्योंकि काम वाम धंधा होता नहीं था कुछ भी उस वक्त. एक किस्सा था एक्चुअली, मैं एक बार जिस एक्टर को मैं ट्रेन कर रहा था वो फिल्म में ऑलरेडी लॉन्च होने वाला था, तो उसको मैंने एक्सरसाइज दी एक, ऐसे ही
लोखंड वाले के पीछे ले जाके कि एक एक डायलॉग है उसको कंटिन्यूअसली बोल. तो डायलॉग था कि मैं एक्टर नहीं हूँ और इसको रिपीट करता जा. मैं जब बोलूंगा कि रुक जा तब रुकना, उससे पहले मत रुकना. तो वो बोलता जा, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ. और बीच बीच में उसको गुस्सा भी आया, हंसा भी, रोया भी, सब कुछ उसी डायलॉग में होता रहा उसका. मैंने तो करता रहे, मैं अभी आ रहा हूँ ज़रा. तो मैं वहीं पास में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा, मैंने की. तो मैं बोला उसको, डायरेक्टर से बात कर रहा था, मैंने सर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं एक्टर हूँ. और उधर से आवाज़ है, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ. तो ये सच्चा. बाद में मुझे पता चला कि जो लॉन्च कर रहे थे उस एक्टर को, उसी डायरेक्टर को मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसी डायरेक्टर को फोन कर रहा था. इस तरह की यूनिक स्टोरी. नवाज भाई की एक बड़ी खासियत है, आप जिसके बड़े फैन होते हैं, आप पता चल जाता है कि ये बंदे ने खुद की तरफ से किया है. जैसे बहुत सारी फिल्मों में, जैसे अभी बदलापुर की मैंने हमेशा जिक्र करता हूँ, कि ये धमकी देते हैं इतने प्यार से कि इनकी गर्लफ्रेंड होती है हुमा कुरैशी, और ये दूसरे को बोलते हैं कि इसको तंग नहीं करने का, और वो बालकनी में खड़ा है और नीचे खड़े होकर बोल रहे हैं, मैं पता नहीं कितने मर्डर किया लाऊं, अभी अभी जेल से आया, आपको भी ठोक दूंगा, गुड नाइट. इतने प्यार से, इतने प्यार से धमकी दे के गुड नाइट बोल के जा रहे हैं. हाँ, मतलब एक रेस्पेक्ट तो है ही ना, बड़ा आदमी है. और एक फिल्म मैंने देखी इनकी, हरामखोर, उसमें ये टीचर बने होते हैं. इनकी बीवी छोड़ के जाने लगती है और ये लेट जाते हैं, कहते तो मेरी लाश से ऊपर से निकल के जाएगी. तो वो चली भी जाती है उठ के, खड़े होते कहते जलते. मैं बहुत हंसा था नवाज भाई को देख के, मैंने रिवर्स कर करके देखा सीन. और मैंने फिर नवाज भाई से पूछा, नवाज भाई आपको लिख के दिया गया? कहते नहीं, वो ऐसे हो गया. पर वो जो हो गया ना, वही एक मतलब कमाल के. पर वही नवाज भाई, जैसे लोग बोलते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज में ना, लोग आपको बोलते हैं कि यार आपने बहुत स्ट्रगल किया, और पर मुझे ये लगता है कि आपका ये जो रियाज हुआ है स्ट्रगल के दिनों में, ऑब्वियसली मतलब जैसे फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, वो मुझे लगता है एक एक्टर के लिए शायद ये भी जरूरी होता है. नवाज भाई, हाँ, आई थिंक मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा किया उसने, क्योंकि मैंने उस स्ट्रगल के दौरान हज़ारों लोगों से मिलता जुलता था, मैं बातें करता था, उनको ऑब्जर्व भी करता था. और जब फाइनली जब मेरा काम शुरू हुआ, तो वही हज़ारों लोग, लाखों लोगों में से वही कैरेक्टर्स बन गए. राइट, ये हुआ. पर नवाज भाई, जैसे हम लोग, जैसे अभी आपने कहा कि उन हज़ारों लोगों से मिलते हो, उसके बाद जब आपका काम शुरू हो गया, फिर आपको नहीं लगता कि दायरा सिमट जाता है यार? Exactly. वो लोगों से मिलना जुलना कम, फिर उसके उस समय क्या करना चाहिए फिर? आई थिंक मुझे लगता है कि उसके वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है, जब आप मिलना छोड़ देते हैं ना, आम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, वो बहुत ही Absolutely. फिर क्या होता है, वो स्टॉक कैरेक्टर, स्टॉक इमोशन, स्टॉक हर चीज एक लिमिटेड क्लीशेड हो जाती है. Right. कि अच्छा ये रोल मिला है तो उसको ऐसे करना है, आप अपने आप को रिपीट करने लगते हैं. वो आई एम सॉरी टू से, बट ये स्टार्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को शीशों के घरों में बंद कर लेते हैं. राइट, ये होता है डेफिनेटली. और वो जानते भी इस चीज़ को, उनकी मजबूरी है कि वो बाहर जा भी नहीं सकते. और यही रीज़न है जब आपका मन होता है कभी आप गांव चले जाते हो, कभी इधर घूमने. मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी लाइफ को मतलब उसी तरह से गुजार रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक होता है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, कि तब आपको लगता है कि यार बहुत ज़रूरी, जाओ लोगों के बीच में, उनके इमोशंस को समझो, उनकी प्रॉब्लम को, इनसिक्योरिटी को, कॉम्प्लिकेशंस को, उनको जानो, उनमें हिस्सा बनो, तो इन्हांस ही होता है एज एन एक्टर. बिल्कुल, बड़ी बड़ी पते की बात बताई नवाज भाई आपने. और भाई लंच बॉक्स में भी शायद आपने जो किरदार किया था, वो भी आप, वो क्या किस्सा सुनाओ ना एक बार, मुझे तो पता है पर मैं जानता हूँ हमारे दर्शकों को बताओ. एक्चुअली एक मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं रहता था, और उसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैंने कहीं अगर मुझे फिल्म मिल गई तो इसका मैं पूरा कॉपी करूँगा इसको. तो लंच बॉक्स में वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और मैंने पूरा कॉपी उसको करके और आ गया. मैं उसी के साथ रहता था, तो दो तीन साल बाद फिल्म रिलीज़ हुई, तब तक मैं उसके साथ नहीं रहता था, कहीं शिफ्ट हो गया था मैं दूसरी जगह. तो उसने देखी फिल्म और मुझे उसने मैसेज किया, आई सॉ लंच बॉक्स, थैंक यू, सिर्फ इतना मैसेज. और उसके बाद क्या हुआ, वो कहीं भी स्ट्रगल ऑडिशन देने जाता था, तो वो ऑडिशन दे के आता था, लेकिन उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता था कि यार ये कैरेक्टर मत कर, क्योंकि ये नवाज करके जा चुका. तो कैसे बोलता था कि नहीं नहीं मेरा खुद का है? हाँ, वो बोलता था कि ये तो मैं हूँ. हाँ, हम कैरेक्टर नहीं किए हैं, ये ओरिजिनली हम हैं, वो हमारा कॉपी किए हैं. तो इस तरह होता था उसके साथ. नवाज भाई ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली इसी के ऊपर, मिमिक्री के ऊपर, नेटफ्लिक्स में जो सीरीज है. हाँ. कहते हैं जो एक्टर किसी को मिमिक्री करता है, मेरे हिसाब से वो सबसे घटिया एक्टर. वो तो कैरेक्टर बात सही थी कि आप किसी को कॉपी मतलब मिमिक्री एक अलग फॉर्म है. मिमिक अलग करना, अलग फॉर्म है. राइट, बट मैं कह रहा था कि जो
बायोग्राफीज होती है ना, या रियल कैरेक्टर जब करते हैं, जैसे आपने ठाकरे मूवी की भाई, हाँ, कमाल था, हाँ, पर वो आपका पॉइंट बड़ा अच्छा था, आपने कहा कि यार किसी ऐसे इंसान की बायोपिक करना जिसको भी हाल फिलहाल नहीं, मैं आपने देखा है, देखा है, और लोग इतना उनको मानते हैं, और फिर उस किरदार को पर्दे पे जीना बहुत बड़ा चैलेंज होता है नवाज भाई, बहुत चैलेंज, आपने उतना ही बखूबी निभाया उसको, बट उसी में डर होता है कि आप इमीडिएटली मिमिक्री ना कर पाए, right, कर दें, हाँ, या कॉपी ना कर दें उसकी, yeah, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट, आपको पता है नवाज भाई आपकी मिमिक्री बहुत सारे लोग करते हैं अभी यूट्यूब पे, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, फिल्म्स की वजह से, दो एक फिल्म में वो एक करेक्टर जो आपने किया रहता है वैसा, ऑब्वियसली, कैसा लगता है जब लोग तुम्हारी मिमिक्री करते हैं? I think मुझे बहुत बुरा फील होता, frankly speaking. हाँ. मुझे लगता है कि मेरी वीकनेसेस हैं ये. क्यों? जिनको मुझे सी आपकी कोई मिमिक्री कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप बन रहे हैं उस स्टाइल में, बनते जा रहे हैं, which is absolutely wrong actually. Okay, okay. पर वो भी किसी एक, जैसे आपने कहा पर्टिकुलर करेक्टर की करते हैं कि यार सुबह जैसे आपने किक में किया, कुछ छोटे छोटे मैनरिज्म है यार, तो वो ही करते हैं, हाँ, वो मैनरिज्म करेक्ट, हाँ, है, राइट, और वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं, वो ऑब्वियसली जो आपको पसंद करते हैं वही करते हैं, बट एज अ ट्रू आर्टिस्ट नवाज, तुमने कहा कि मैं, मतलब मैं अपनी वीकनेस समझता हूँ कि कोई मुझे ऐसा कॉपी कर सकता है क्योंकि मैं इसका मतलब बंद रहा हूँ, बंद रहा हूँ एक पर्टिकुलर यू नो दायरे में, एब्सोल्युटली, ये एपिसोड दिखा के इधर नए जो एक्टर बनना चाहते हैं उनसे पैसे लेंगी ये. अच्छा मैं ना भाई थोड़े दिन पहले पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी आए थे, तो उनके दोनों का एक किस्सा बड़ा मजेदार था कि पंकज त्रिपाठी जब वो होटल में जॉब करते थे, बोलते मनोज भाई वहाँ पे रुके और उनकी चप्पल रह गई थी, तो कहते मैंने आज तक रखी है. मैंने एक और आपका किस्सा सुना है कि आप मनोज भाई के साथ प्ले कर रहे थे कुछ, कितनी देर पेड़ बन के खड़े रहे थे आप भी? आई थिंक 2.5-3 घंटे का प्ले होता था वो. अच्छा, और मनोज भाई उसमें रीच बने हुए थे, पेड़ बने हुए थे, विजय राज में हम लोग पेड़ बनते थे दिल्ली में. अच्छा, मनोज भाई फेमस हो चुके थे उस समय? मनोज भाई की बैंडिट क्वीन की शूट कर रहे थे वो. ओके ओके. लेकिन थिएटर में बहुत फेमस थे वो. ओके. थिएटर वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, तो वो आते थे और बीच बीच में ऐसे चार पैर पे, मतलब ऐसे बिल्कुल रीच बने हुए, तो पेड़ पे घुजाते थे, पेड़ हम लोग थे हवा में, मतलब वो होता था कि यार, लेकिन खड़े भी वैसे ही रहना है बिल्कुल, और हिलना भी नहीं, गुदगुदी होती थी लेकिन बिल्कुल आपको ऐसे ही रहना है, तो जानबूझ के भी करते थे. नवाज भाई, स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं, आपके बारे में कुछ अफवाहें आई हैं. एक अफवाह ये है कि आपके गांव में आपको तीतर पहलवान नाम से बुलाते थे. ये बात सही है? एक्चुअली मैं पहलवानी करता था बचपन में. क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं मतलब कोई 20-22 साल का था. अच्छा, तो मुझे अखाड़े में डाल दिया था मेरे फादर ने, लेकिन मैं बहुत पतला दुबला था. अच्छा, तो जब मैं अखाड़े में कॉम्पिटिशन के लिए जाता था तो मेरा फैसला 1 मिनट में हो जाता था. ज्यादातर मैं पिट के ही आता था, या तो मुझे मार देता था, या 1 मिनट में दाव में बहुत अच्छा था मैं. अच्छा, हाँ. या तो मैं दाव मार के उसको पटक देता था, या मैक्सिमम तो मैंने 90% हारी है कुश्तियाँ. और फिर तुम्हारे पिताजी वापस तुम्हें अखाड़े में डाल देते थे? हाँ, मतलब ले जाते थे कि पहलवानी कर यार, तू बहुत ही पतला दुबला है, कमजोर आदमी है. आपको शौक था करने का पहलवानी? मुझे शौक नहीं था. अच्छा, मतलब आपको शौक होता तो आप कर भी लेते. बट मेरे फादर ने डाला मुझे. मेरे पिताजी मेरे को कुश्तियाँ दिखाने लेके जाते थे, तो मेरे फादर पहलवान थे, तो पहलवानी से रेसलिंग में आए. तो मेरे जो मम्मी पापा की शादी हुई ना, तो मेरे पापा पता कौन से वाले पहलवान थे? एक तो होते ना गांव के पुराने, हाँ, जो मिट्टी में लड़ते थे, हाँ, अब तो मैट पे होने लगी कुश्तियाँ, हाँ, और बॉडी सूट आ गए हैं. पहले लंगोट ही पहन के मिट्टी में करते थे, और हाँ, गाँव के जो पहलवान होते टेक्निक वाइज अपने दाव पे जाते थे, पर वो हार्डकोर वेट ट्रेनिंग ये सब नहीं होता था, हाँ, और पेट हमेशा निकले ही होते थे. जो दिल्ली साइड के पहलवान होते थे, जो दिल्ली में ये दिल्ली हो गया, जब मुंबई से पहलवान आते थे, तो ये हमेशा पेट नहीं बढ़ने देते थे. अच्छा. तो मेरे पापा ने कभी पेट नहीं बढ़ने दिया. दूसरा, उस्ताद जी को बोलते थे मेरे कान नहीं तोड़ने आपने, मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ. अच्छा. तो पहलवानी करते थे, पर पता नहीं था ना, मतलब गाँव में तो जब शादी करने गए तो मेरे नाना को बोला सबने कि ये पहलवान है. डैडी थे फिट स्लिम वाले, तो बोलते इतने पहलवान, तो गाँव का पहलवान था बच्चों पहलवान, मुझे याद है, मैं स्टोरी मम्मी ने भी सुनाई. उन्होंने बोला कि बच्चों पहलवान से कुश्ती कराओ, तो मेरे डैडी को उतरवा के सहरे वहरे लंगोट पहनवाया शादी के वक्त. हाँ, शादी के वक्त. उस समय तो ये एंटरटेनमेंट ही होता था. तो वही, पर वो फैसला 1 मिनट में हुआ डैडी कहते, क्योंकि वो पहलवान जो था ना वो वैसे ही फैला हुआ था. तो डैडी छा गए वहां पे. अच्छा. तो मैं पूछता डैडी, मैं कहा अगर आप कहीं हार जाते तो ये मम्मी तो आपको बोलने ना देती सारी. पर वाकई उस समय एंटरटेनमेंट ये सब होती थी चीजें. नवाज भाई, एक अफवाह ये है कि पुराने जमाने में कई लोग कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजा करते थे. आपने इससे इंस्पायर होके पतंग में लव लेटर बांध के लड़कियों के छत पे गिराए हैं. लड़की के
अच्छा एक ही लड़की के पतंग से बांध के तो गिरी पतंग पूरी ठिकाने पे? नहीं, जब हवा होती थी तभी करते थे हरकत हम। हाँ अच्छी पतंग में मतलब चिपका के लेटर और भेज दिया उसकी बालकनी पे, लेकिन फिर 8 दिन वेट करना पड़ता था क्योंकि हवा किसी दूसरे साइड की हो जाती थी। फिर वो पतंग वापस भेजती थी या नहीं? फिर 8 दिन के बाद मतलब हवा उस तरफ की हुई, फिर पतंग के भाई हाँ जवाब तो दे दो, तो जवाब आता था। फिर जवाब आता था, कई बार ऐसे हुआ कि उनके पापा ने देख लिया, ओह गॉड, मुझे भी देख लिया दूर से कि यही है, तो फिर आया जवाब उनकी तरफ से। गायब हो चुका था। वाह यार। अच्छा टेक्नोलॉजी आने से ना ये सब चीजें जो होती ना, रियल रोमांस जो, इसीलिए मुझे गैंग ऑफ वासेपुर में वो रोमांस बड़ा अच्छा लगा था, जब बोलते हाथ पकड़े। नहीं बहुत इतना मजेदार था ना सीन, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ था। हाँ मैंने सुना है वो, कि वो रियल किस्सा था, हुमा ने बताया था कि रियली। हाँ मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो एक तो नवाज भाई कहते हम नवाज भाई की रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, वो इतने कमाल के एक्टर हैं। मैंने कहा आपने नवाज भाई बोल के सीन से ठीक पहले उनके अंदर का शाहरुख खान ही मार दिया। वो तो अच्छे एक्टर हैं ये फिर भी कर गए, और कोई एक्टर को आदमी भाई साहब बोल के भाई बोले तो फिर भी वो सीन कहाँ से होगा। पर कमाल था सर वो भाई। एक अफवाह ये है कि माँ बाप बच्चों को झूठ बोलने पर डांटते हैं, पर आपके घर में उल्टा था, पापा जी काफ़ी झूठ बोल जाते थे आपसे कभी कभी, है? बहुत बोलते थे। क्या क्या बोलते थे आपको? एक्चुअली हमारे दिल्ली के पास है हमारा गाँव जी, तो दिल्ली उनका आना जाना होता था। मैंने दिल्ली आप जाते हो बहुत जाते हो, मतलब रीज़न क्या है जाने का? तो बोलते यार मैं जाता हूँ पार्लियामेंट जाता हूँ मैं पार्लियामेंट जाता हूँ। और जब बच्चन साहब जो है नए नए एमपी हुए थे, नए अच्छा एमपी, तो मैंने कहा वो तो वहाँ पे बच्चन साहब भी मिलते होंगे। बोला हाँ मिला मैं उनसे, और मैंने पूछा उनको, वो काफ़ी मोटे हो रहे थे, मैंने भाई हेल्थ वेल्थ का ख्याल रखो, ये क्या है? अरे भाई क्या बोले नवाब साहब, पॉलिटिक्स में आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है। पूरा सुनाते थे? पूरा सुनाते थे वो। बाद में मैंने कहा लेके चलो ना मुझे भी दिल्ली। हाँ बोले तू रहने दे छोड़, क्या करेगा तू। मैंने चलो ना आपकी इतनी बड़ी मतलब पार्लियामेंट में जान पहचान है, सबसे मिलते हो, हाँ बच्चन साहब से भी मिलते हो, आप लेके चलो ना। तो बोले ठीक है चल। अच्छा तो लेके गए मुझे, 2 बसें बदलनी पड़ती थी हमें दिल्ली तक, 4 घंटे का रास्ता था। जैसे दिल्ली आता था वो सहम जाते थे, हाँ मतलब डरते थे वो। बोले उधर नहीं जाना, इधर से चलिए उधर, ये सब करते रहते, टोका टोकी बहुत होती थी। मैंने कहा आप इतने क्यों सहमे से क्यों, कुछ तो बोलो। बोलते नहीं थे, नहीं ये लोग ठीक लोग नहीं है ये लोग। तो क्या तुम्हारी क्या उम्र थी उस टाइम जब तुम दिल्ली गए? होगी कोई 15-16 साल का होगा इधर। अच्छा अजय मैं पहली बार सबसे पहले गया था यूरोप में, कहीं गया था मैं शूटिंग के लिए, तो मैं तो यूरोप कहाँ गया था, बुल्गारिया। हाँ अच्छा, तो मैं आया अपने फादर से बोला कि मैं तो गया था मैं बुल्गारिया, सोफिया कैपिटल है वहाँ का, वहाँ गया था मैं, वरना भी गया था। बोले वहाँ तो मैं भी होके आया हूँ। आप कब गए थे? मैं गया था, और बहुत अच्छा एरिया है वो। बोला सड़कें बहुत अच्छी, साफ सफाई बहुत है वहाँ पे। मैंने कहा आप अपने पासपोर्ट दिखाओ। बोले पासपोर्ट तो दे अभी रखा होगा। तब मुझे पहली बार पता चला कितना झूठ बोलते हैं वो। ओह सो स्वीट दैट इज। भाई एक अफवाह आपके बारे में ये है कि सुबह 5 से 7 आप अपने घर की बालकनी में आते हो और अपुनिच भगवान है बोल के आशीर्वाद देते हो। ये कभी नहीं मैंने कहा। अपुनिच भगवान। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सॉरी। हेलो यार, हेलो यार, जिस बम्पर जो रहती है अपने दम पर, क्या आप मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं? और नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है आपके पास? नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप नहीं है और मेरे साथ रिलेशनशिप चाहते हो तुम? फोन काटो वरना फोन में घुस के मारूंगी तुम्हें। नहीं बस ज्यादा ये ना गाली वाली देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की गालियां हैं। थैंक यू, ओके बाय। I'm sorry, मुझे फोन आ गया था। कैसे हैं सर आप नवाज जी? हेलो हाउ आर यू? गुड। बम्पर आज कैसे आना हुआ? ओह आपने शायद ध्यान नहीं दिया, एक मिनट। हाँ ऐसे आना हुआ मेरा। यहाँ क्या करने आई हुआ आज? अरे यार ये इंसान को सारी सूचना, इतनी बहुमूल्य सूचना से वंचित रह के अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं आप?
और मुझे देखिए, हर छोटी मोटी सूचना का प्रचार सर्वप्रथम मुझसे ही शुरू होता है। क्या हिंदी ऐसा है? करना पड़ता है क्या? देखिए आपकी भी गलती नहीं है, आप ठहरे मामूली इंसान, मैं ठहरी सेलिब्रिटी। अब ये सेलिब्रिटी अब ये सेलिब्रिटी की जिम्मेदारियां तो पूरी करनी पड़ेगी, तो मैं आपको आपको सभी को सूचित कर देती हूँ। इन्होंने बहुत ऐसा मुझे फोर्स किया, तो इसलिए अब मैं इनके साथ नेटफ्लिक्स देखने के लिए मान गई हूँ। वो क्यों तेरे साथ नेटफ्लिक्स देखेंगे भाई? क्योंकि कभी कभी अपन को लगता है कि यही अपन का बॉयफ्रेंड है। देखिए नवाज जी, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगी, फिर हो सकता है धीरे धीरे हमारी भी दो छोटी छोटी वेब सीरीज हों। छोटी छोटी तो नवाज जी, कौन सी फिल्म देखेंगे हम दोनों साथ में? हम लोग आई थिंक हमें रात अकेली देखनी चाहिए। आप हाथ पकड़ेंगे तो नहीं? नहीं। सट के बैठेंगे तो नहीं? माँ कसम नहीं। मुझे डर लगा तो गले से तो नहीं लगा लेंगे? कसम से नहीं। नहीं नहीं, तो ये माता जी के साथ ही देख लीजिए ना फिर आप फिल्म। माता जी फिर मेरी क्या जरूरत है? खैर फिर भी थोड़ा सा माहौल रोमांटिक हुआ है, तो वो तीन मैजिकल वर्ड्स मुझे बोलिए ना। कौन से तीन मैजिकल वर्ड्स? वही वाले, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप ही के हैं। मुझे तो ये बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नवाज जी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लगातार मनुष्य जो है कटु शब्द मेरे लिए बोले जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? तब खून खोलेगा तेरा फैसल। बम्पर मेरी बात सुन, यहाँ पे गैंग ऑफ वसीपुर नहीं चल रही है? यहाँ पर गैंग ऑफ वसीपुर ही चल रही है। देखिए गैंग ऑफ वसीपुर में किसी ने सरदार खान को रास्ते से हटाया था, यहाँ पर किसी ने असरदार सरदार को रास्ते से हटाया है। बात तो सुन लिया ना सर। बम्पर जाना, मुझे इंटरव्यू करने दे उनकी। इंटरव्यू करके आप कौन सा इनको नौकरी दिलवाने वाले हैं रेलवेज में? क्या इंटरव्यू करने दे, इंटरव्यू करने दे, ऐसा क्या होने वाला है? हैं तो रहेंगे तो वो एक्टर ही ना, और वो टक से मौत को छूके वापस ही आएंगे, और क्या होगा। खैर मैं सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपकी सारी फिल्में, मैंने देखी है। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए ये देखिए स्वेटर लाई हूँ। इतने स्वेटर कौन देता है? अरे सबके लिए ना, मतलब बाप का, दादा का, भाई का, सबका स्वेटर लाई है ना ये बम्पर। सर आपको अगर बाइक का भी स्वेटर पहन के फिर भी ठंड लगे ना, तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं आपके लिए रजाई भी बन जाऊंगी। रजाई क्यों? ठंड में ना आदमी अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ सकता है, लेकिन रजाई कभी नहीं छोड़ता। रजाई भी देख लो जिसमें सिर्फ हवा है, रुई है ही नहीं। कपूर शर्मा, आप एक बात याद रखिए। क्या? कि इस बम्पर के हवा के दम पर ही किसी का शो उड़ रहा है। वाह, ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये देखिए, ये क्या? मैं अपने हाथों से बना के आपके लिए हाजर का गलवा भी लाई हूँ। हाजर का गलवा नहीं, गाजर का हलवा। सॉरी सॉरी, वही वही। बिल्कुल मत खाना भाई, पता है कैसे बनाती है ये गाजर का हलवा? ये काटती नहीं, बिछा के ऊपर लेट जाती, फिर यूं करके हलवा बनाती उसका। हट। ऐसे तेरी गर्दन गिरेगी एक दिन देखना। ए मनुष्य, हे मनुष्य, ये हास्य विनोद करते करते कब आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा ना बचपना लाइए अपने अंदर, कपूर शर्मा, बचपना लाइए। बम्पर देख, ये क्या फालतू के हाजर का गलवा लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ, कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तू? ओ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं तो भूल ही गई, आपको गाजर का हलवा कहाँ से अच्छा लगेगा? आपको तो पराठे अच्छे लगते हैं ना, वो भी अमृतसर के, वो भी किसी मंत्री के घर के। यहाँ पर पराठे ये खा के आए हैं, पेट किसी और का ही खराब हो रहा है। बम्पर चलो जाओ अभी। मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन अर्चना जी मैं जा रही हूँ, आप मुझे रोक लीजिए, क्योंकि अगर आज आपने मुझे नहीं रोका तो कल मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन ये अर्चना पूरन सिंह है, इन्हें कौन रोक सकता है, 35 साल से इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं, हमारे रोके नहीं रुकती हैं। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ सर, तो मैं पीछे आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके हाँ, ये मस्सा मत हटाने तो पहचान नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार कपूर शर्मा ये जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये मैं ऐसे जा रही हूँ, बाद में पूछना मत कैसे जाना हुआ। ओके ये मेरा जाना हुआ। ओके बाय सर, थैंक यू। Thank you. Bye.
एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए. नवाज भाई आइए प्लीज. थैंक यू सो मच नवाज भाई. आप जब भी आते हैं हमेशा बहुत मजा आता है. और आज हंसी मजाक के साथ साथ जो किस्से आपने सुनाए, मुझे लगता है कि जो नए हमारी जनरेशन है जो जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग भाई. थैंक यू सो मच. आइए नवाज भाई, जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए. चार पांच लोग बैठे ड्रिंक कर रहे हो, म्यूजिक व्यूजिक का तो कोई अरेंजमेंट होता नहीं, फिर दो दो पैक जब अंदर जाते ना, उन्हीं में से कोई गुलाम अली बन जाता है, उन्हीं में से कोई जगजीत साहब बन जाता है, उन्हीं में से कोई मेहंदी हसन साहब बन जाता है. और जो सुन रहे होते हैं वो भी तारीफ पूरी करते हैं, भले वो सामने वाला बिसुरा गा रहा हो वाह वाह आ गया क्या बात है, फिर से दोबारा. क्योंकि दो पैक लगने के बाद वैसे भी कोई बुरा नहीं लगता. हाँ. सारी चीजें अच्छी लगती हैं. जैसे मुझे उस दिन परमीत सर बता रहे थे, कहते तेरी मैडम मेरे कहते तेरी मैडम के घर आने से पहले मैं दो पैक मार लेता हूँ. पता नहीं क्यों बोला उन्होंने ऐसा. कई भाभियां देखना आप शादियों में, जितना बुलाओ ना भाभियों को नखरे, भाभी आओ ना. ससुर भी हैरान हो रहा था, हमारे वाली तो ना आए. तुम्हारे वाली है? कई बार क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट चल रहे होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ही ठीक बैठता है. चीफ गेस्ट किसी मंत्री को बुला लेते मान लो. हाँ. अब मंत्री जी को समझ नहीं है, वहां पे क्लासिकल छेड़ रखा किसी ने. मंत्री जी देख रहे हैं क्या हो रहा है. वो वेट करते हैं कि हमें दिया जलाने के लिए कब बुलाएंगे. हाँ. दिया जला के फटाफट शहनाई शुरू होते निकल जाते हैं. हाँ. शहनाई वाले की बेचारे राग मुंह में रह जाता है. वो देख रहा होता है कि अभी तो मंत्री जी से बेटे की सरकारी नौकरी की बात भी करनी थी, ये तो निकल गए. लेकिन अगर सामने शकीरा जैसी परफॉर्मर हो, हिप्स डोंट लाई, तो जिस मंत्री को इंग्लिश नहीं भी आती ना, वो भी उछल उछल के नाच रहे होते. फिर जब इनका वीडियो वायरल हो जाता है, फिर पब्लिक को अलग सफाई दे रहे होते. देखिए ऐसा है, संगीत चीज ही ऐसी है, आदमी के पैर उछल जाते हैं. और बीवी को अलग से सफाई दे रहे होते, वो फिर ऐसा हिप्स तोड़ती ना इनके, सारी उम्र लाई नहीं कर पाते. अच्छा नहीं, आपने कभी तानपुरे वाले को देखा? हाँ. कितना रिलैक्स होके बजाते हो. हाँ. अपना बैठे होंगे और यहाँ पे रखा कंधे पे. हाँ. जब तक वो वापस घूम के आते ना, ये थोड़ी थोड़ी पावर नैप भी ले लेते हैं. ऑडियंस को भी नहीं पता चलता क्योंकि वो खुद सो रही होती है. म्यूजिक चीज ऐसी, तानपुरा जब छिड़ता है जब, इतना मजा आता है, इतना सुकून आता है. आपने कभी कभी देखा होगा ये रॉक सिंगर्स जो होते हैं ना, इनकी पूरी बॉडी पे टैटू बने रहते हैं. दूर से देखो कभी कभी पहले तीन चार सेकंड पता नहीं चलता, अगर कुछ नहीं भी पहना ना तब भी लगता है कुछ पहना है. ये अंकित नहीं अपना तबले वाला. हाँ. ये चला गया टैटू बनवाने. हाँ. बोलता मेरी छाती पे ऑक्टोपस बनवा दो, वो कहता पहले छाती बनवा. कहता तेरी जितनी छाती है इस पे छोटा केचुआ आएगा. क्योंकि कई लोग होते हैं आप देखना, कभी कभी बॉडी बिल्डिंग का जिनको शौक होता है ना, अजगर बना लेंगे यहाँ पे. हाँ. बड़ा वाला ड्रैगन बना लेंगे. लेकिन जब बॉडी ढीली हो जाती ना, तो अजगर जो छाती पे होता है ना, वो धीरे से बगल में आ जाता है. तो फिर अजगर बेचारा क्या करे. हाँ. वो फिर अपनी पूंछ यहाँ से छाती से घुमा के ना पूंछ को अपनी नाक पे ले आता है. कहाँ फंस गया. आज भी अगर आप गाँव खेड़ों में चले जाओ तो सूट बूट पहनना, आजकल तो कॉर्पोरेट जगत जब से आ गया ये लोग नॉर्मली पहन के घूमते हैं. और स्पेशली म्यूजिशियन, आप सब लोग गवाह हैं इस बात की, मतलब बड़े प्लेन कपड़े पहनते थे, सादा कुर्ता पजामा. hmm. और सिर्फ गाना बजाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं. आजकल देख लो आप कोट पैंट पहन के बैठे रहते हैं. ये गोपाल नहीं अपना कीबोर्ड पे. hmm. इसका जब नया नया कोट पैंट सिल के आया ना, गांव चला गया, इसने जाके चाचा का लड़का पीट दिया. कहता मैं अमीर हो गया हूँ. सीरियसली, इसने अपने दादाजी की ना वसीयत, वो पुरानी हवेली साइन करवा ली. कहता दादाजी इसको तोड़ के नहीं बनवाते, क्या बोलते हो. दादा मान गया कि कोट पैंट पहना, क्या पता बनवा दे. इसने साइन करवा के हवेली तोड़ के ईंटें बेच के कमाई खा गया सारी. ये अंकित अपना जिसको भोलेपन पे मत जाना, ये बड़ा टेढ़ा है. एक दिन एक ही हाथ से तबला बजा रहा और एक ही तबला बजा रहा. मैंने कहा ये क्या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया. कहता नहीं बाजी, हमारे दादाजी भी तबला बजाते थे. तो जब बंटवारा हुआ ना, तो हम दो भाई हैं, एक के हिस्से में बड़ा वाला तबला आ गया, मेरे हिस्से में छोटा वाला. बोलता ये तो ठीक है, फिर भी मेरे चाचा के भी दो बेटे हैं. हाँ. मैं कहा उनमें क्या गया. कहता उनमें एक हथौड़ी और एक पाउडर का डिब्बा. अच्छा आपको याद होगा जब अमीन सैनी साहब का प्रोग्राम आता था. हाँ. गीतमाला. हाँ.
वो कितना मजेदार होता, लोग कितने शौक से सुनते थे। आहा, भाई और बहनों, अब हम सुनेंगे प्रोग्राम फरमाइशी गानों का। जी हाँ, उस समय गानों को इतने शौक से लोग सुना करते थे, इतने दीवाने हुआ करते थे। 2 महीने का बच्चा मिट्टी में लौट रहा है और ये रेडियो को गोद में लेके बैठे हुए हैं। बच्चा चड्डी में घूम रहा है और रेडियो को लेदर की जैकेट पहना के रखी हुई है। उसको कौन सा ठंड लग रही है? हमारी फिल्मों में हीरो हीरोइन को रोमांटिक होने के लिए गानों की जरूरत पड़ती है। हॉलीवुड में नहीं पड़ती उनको, वो चलती फायरिंग वायरिंग में बीच में पता नहीं क्या एकदम से स्पिरिचुअलिटी आती है, एक दूसरे को सांस देने लगते हैं। हाँ पता नहीं क्या सडनली गोलियां चल रही इधर से, जो भी उनका होता है। आप हमारी पुरानी फिल्में देख लो, विलेन के अड्डे पे जब हीरो फंसा होता ना, हाँ। तो हीरोइन बिना नेविगेशन के वहां पहुंच जाती है, हाँ। और जाके पहले तो ये नहीं कि सीधा हीरो को बचाए, पहले वो जाके गुंडों को और उनके बॉस को एंटरटेन करती है। तो पूरा गाना सुनता था, गाना सुनने में गया अंबू खुश हुआ और नाचो। अच्छा हमारी फिल्म में सांप काट लेता ना तो सडनली हीरो बीन निकालेगा और बीन बजाता, फिर इच्छाधारी नागिन आती, सारा जहर चूस के निकल जाती। ये कभी आप इंग्लिश फिल्मों में नहीं देखोगे। आप सोचो अच्छा लगेगा सिल्वेस्टर स्टैलन जैसा आदमी इतनी ड्रेस पहन के जीतू जी की तरह और बीन बजा रहा है और जेनिफर लोपेज नागिन बन के नाच रही है, हजम ही नहीं होगी हमें बात। आजकल ना हर फिल्म में पुराना गाना कोई ना कोई रिमिक्स करके डाल देते हैं, ऐसे में जिन्होंने ओरिजिनल सुने होते हैं वो जब नया वाला वर्जन देखते हैं बड़ा हैरान होते हैं। जैसे पांडे के ताऊ जी ने वो गाना सुना, उन्होंने सुन रखा था बच्चन साहब वाला सारा जमाना हसीनों का दीवाना जिसमें वो लाइटों वाली जैकेट पहन के डांस करते हैं। इन्होंने नया वर्जन देख लिया, अच्छा, जिसमें उर्वशी रोटेला लाइट कोई नहीं लगाई हुई थी पर ऐसा नाची कि इसको बुला के बोलते, कहते बाल सुन ये कौन है लड़की भाई, मेरा तो मोतियाबिंद ठीक हो गया। कहते इसके 2-4 गाने और दिखा, क्या पता मेरा चश्मा भी उतर जाए। एक बार हमारे शमशेर पाजी ना पुलिस वाले, हाँ। उनकी ट्रैफिक में ड्यूटी लगी हुई थी, अच्छा। वहां से जगजीत साहब जा रहे थे, अब पुलिस वाले आपको पता है ड्यूटी है तो ड्यूटी है। अरे हेलो, वो फोन पे बात करते जा रहे थे, हेलो इधर आओ, गाड़ी साइड पर लगाओ, इधर आओ, आपको नहीं पता उसे फोन पे बात नहीं कर सकते गाड़ी चलाते हुए। देखिए मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा सिंगर अपना वो जो एसी प्रद्युमन? नहीं नहीं दलेर मेहंदी। हाँ दलेर मेहंदी, दलेर, वैसे आप भी गाने गाते हैं? कहते नहीं जी मेरे गाने थोड़े अलग होते हैं। तो अच्छा आप अलग से म्यूजिक पैकेट में डाल के देते हैं? कहते नहीं सर देखिए मैं गजल सिंगर हूँ और देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है शो के लिए प्लीज। कहते ठीक है फिर काम करो, मुझे वो मेरा फेवरेट गाना सुना दो अपना, बड़ा अच्छा है यार वो कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आओ। कहते सर ये गाना मेरा नहीं किसी और का। कोई बात नहीं थोड़ा सुना दो ना, मैं उसको बताने वाला हूँ ना मेरे को पूछने वाला है, बात यही कि ये दबा देंगे आप सुनाओ शुरू हो। Thank you. Good night. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.